नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष को एक और तगड़ा झटका लगा है और यह झटका दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों के बाद भी हाईकोर्ट ने शाहिदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर ट्रायल शुरू कर दिया है। हालांकि इस दौरान मुसलमानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे नकारते हुए साफ कहा कि ट्रायल पर रोक को लेकर एससी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है और शाही ईदगाह कमेटी की सारी दलीलों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। मथुरा विवाद पर ट्रायल शुरू, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड में हड़कंप, सुप्रीम कोर्ट की दलील मुसलमानों पर भारी। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का भी ट्रायल शुरू हो चुका है। पहले दिन हिंदू पक्षकारों के वाद बिंदु के लिए अपने प्रस्ताव अदालत को दिए। अब तक हिंदू पक्षकारों की ओर से 17 प्रमुख बिंदु कोर्ट को वाद बिंदु तय करने के लिए दिए गए हैं, जिसके आधार पर अदालत अब लंबित वादों की सुनवाई आगे बढ़ाएगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे से लेकर 2:45 तक करीब 45 मिनट तक की सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई में शाहिदगाह मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल कर केस की सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया। शाहिदगाह मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को दलील दी कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुकदमा का ट्रायल ना किए जाने की भी अपील की। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए मुकदमा का ट्रायल चलते रहना चाहिए। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि उन्होंने जो वाद बिंदु अदालत में दिए हैं वह सभी एविडेंशियल हैं और तथ्यात्मक हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वाद नंबर 7 के वादी कौशल किशोर ठाकुर की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना एन सिंह पेश हुई। उन्होंने अदालत में 17 बिंदुओं को लेकर वाद बिंदु पेश किए। अब कोर्ट इन्हीं वाद बिंदुओं के आधार पर आगे मुकदमे का ट्रायल चलाएगी। अधिवक्ता रीना एन सिंह ने कहा कि विवादित संपत्ति एएसआई के संरक्षण में है। देश के आजाद होने के पहले 1920 में यह एएसआई के संरक्षण में आ गई थी। उन्होंने कहा कि मंदिर का गर्भगृह भी एएसआई की संपत्ति है, ऐसे में क्या उसे कोई प्राइवेट व्यक्ति खरीद या बेच सकता है। उन्होंने वाद बिंदु में 1968 के समझौते को भी चुनौती दी। इसके साथ ही शाही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर रीना एन सिंह ने कहा कि यह सब जानते हैं कि इस्लाम का जन्म कब हुआ। अधिवक्ता रीना एन सिंह का कहना है कि हिंदुओं के पक्ष में तमाम साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं। उनका कहना है कि मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है, अब कोर्ट में समय समय पर केस से जुड़े सभी तथ्य पेश किए जाएंगे। अधिवक्ता रीना एन सिंह ने उम्मीद जताई है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला आएगा। बता दें कि मथुरा का विवाद कोई एकलौता विवाद नहीं है जो कोर्ट में चल रहा हो। ऐसे 18 विवाद हैं जिसकी सुनवाई एक साथ हो सकती है। कोर्ट का कहना है कि ये सारे मामले एक जैसे हैं, इसलिए इन सभी विवादों को एक साथ सुना जा सकता है। हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को सुनाया था फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मस्जिद के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। मुस्लिम पक्ष केस को सुनने योग्य ना करार दिए जाने की अपील कर रहा था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उसे सटी मस्जिद के विवाद से संबंधित हिंदू पक्षकारों की ओर से दायर मुकदमे पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और इसीलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है। और अब इसी के तर्ज पर हाईकोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। चलिए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्रीकृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाहिदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 350 साल पहले,
जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र भी किया है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया था। मराठों ने वापस ली जमीन। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 के मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद ली, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। ये जमीन खाली रही और मुसलमानों ने दावा किया कि यह जमीन अब उनकी है। 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना। 1944 में यह जमीन मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने खरीद ली। सौदा राजा पटनीमल के वारिशों के साथ हुआ था। इस दौरान देश आजाद हुआ और 1951 से श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना, जिसे ये जमीन दे दी गई। साल 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में एक नई संस्था बनी, जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान। इसी संस्थान ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया। इसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने यह समझौता किया था। इस संस्थान का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता। ईदगाह मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड का दावा। प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशव देव में 13.37 एकड़ भूमि के अंतर्गत नहीं आती। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है, यह बिल्कुल निराधार है। इसमें दस्तावेजी सबूतों का अभाव है। मस्जिद को हटाने की हिंदू पक्ष की मांग पर मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील भी देता है। हिंदू पक्ष के दावे का क्या है आधार? हिंदू पक्ष ने 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद समिति को तुरंत अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करना चाहिए। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को यह जमीन जल्द से जल्द सौंपे जाने की अपील भी की गई। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी 13.37 एकड़ के परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश करने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद की दीवारों पर जो कलश बना है वो हिंदू शैली का है। मस्जिद के पिलर के टॉप पर कमल बना है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने की मांग की है। काशी की तरह मथुरा के लिए दिया जा रहा तर्क। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मथुरा की शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे सर्वे की मांग की गई है। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने 1968 में हुई समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क दिया और इसे दिखावा धोखाधड़ी बताया। आरोप लगाया कि जनरेटर के इस्तेमाल से दीवारों और स्तंभों को ज्यादा नुकसान हुआ है। भूमि को आधिकारिक तौर पर ईदगाह नाम के तहत पंजीकृत ही नहीं किया जा सकता। इसका टैक्स कटरा के शवदेव मथुरा के उपनाम के तहत एकत्र किया जा रहा है। विवादित भूमि के संबंध में ट्रस्ट और मस्जिद कमेटी द्वारा किए गए दावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वे कराना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कथित मस्जिद ईदगाह पर हिंदू समुदाय का अधिकार है, जिसका निर्माण हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद किया गया था और ऐसा निर्माण मस्जिद नहीं हो सकता। और यही आधार अब लगभग सारे मंदिर मस्जिद विवादों से जुड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हिंदुओं को अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में भी जीत मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।